अर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में आप स्टडी करेंगे लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जो है आर्किमिडीज और ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखेंगे। तो लिविस के मुताबिक एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर दो सबस्टांस डैट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो चीज़ें जो क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन को पिक कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं, कबूल कर सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एसिड्स कहलाती हैं। और बेस क्या होती हैं? इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस वो सबस्टांस होंगे जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सबस्टांस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? लिविस बेसिस कहलाती हैं। तो पिछले कंसेप्ट में जो पिछले दो कंसेप्ट गुजरे हैं उसमें आपने पढ़ा कि जो चीज़ें प्रोटॉन दे सकती हैं क्या इक्वल सॉल्यूशन में या किसी सबस्टांस को, तो वो एसिड होती हैं। और जो चीज़ें जो क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं या वो एच आइन दे सकते हैं वो बेसिस होती हैं। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक जो है बेस वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने की सलाहियत रखते हैं, और एसिड वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, ये रिएक्शन देखते हैं कि ये मैं NH3 ले लेता हूँ। NH3 अमोनिया गैस को कहा जाता है। इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ एच पॉजिटिव आइन के साथ। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर मौजूद होता है। तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकती है और एच पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस तरह ये आपके पास बन जाएगा अमोनियम NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो अमोनिया आपने क्या है, हाइड्रोजन आइन को ये इलेक्ट्रॉन उसने दिए थे, तो इसमें हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरह ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट बन जाएगी। तो अब देखें इसके अंदर आपके सामने इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन कबूल किए। तो लिविस कंसेप्ट के मुताबिक जो चीज़ इलेक्ट्रॉन देगी तो वो बेस कहलाएगी, तो इसे हम बेस कह लेते हैं। अरे हमारे पास एसिड आ सकता है। अब मैं आपको लिविस एसिड और लिविस बेस के एग्जाम्पल बताता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें लिविस एसिड होता है, कौन कौन सी चीज़ लिविस बेसिस होती हैं। लिविस एसिड कौन से होते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो हमारे पास जो सिंपल केटाइन्स होते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो जो इलेक्ट्रॉन कबूल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल केटाइन बोलते हैं। जैसे आपके पास एच पॉजिटिव आइन हो गया, कोई मेटल आइन जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, इसी तरह आपके पास Ag पॉजिटिव हो गया। तो कोई पॉजिटिव चीज़ जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या कहलाएगी, लिविस एसिड कहलाएगी, ठीक है जी। इसी तरह आप क्या है, कैल्शियम आयन भी ले सकते हैं, Ca2 पॉजिटिव। तो ये सारे सिंपल केटाइन जो होते हैं वो लिविस एसिड्स होते हैं। अब लिविस बेस, लिविस एसिड वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ऐसे सबस्टांस जिसके सेंट्रल एटम जो है उसका वैलेंस शेल जो है ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट हो, तो जो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। जैसे आपके पास BF3 है, ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है, AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, इस तरह ये FeCl3। तो जिनके वैलेंस शेल जो है, जिनके सेंट्रल आइटम, अब इसमें बोरान है, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें आयरन है आपके पास, तो इनका जो वैलेंस शेल है तो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट उनका मुकम्मल नहीं होता। तो इसकी बेशक आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपके सामने बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है, इसका आप शक्ल बना के देख लें, आप सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, पहला शेल हो गया और ये दूसरा शेल हो गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान ट्राईफ्लोराइड के अंदर आपके पास क्या होगा कि फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, तो आप इसके लिहाज से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टोटल, तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के आपके पास कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं।
अब लीव स्पेसेस के एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर न्यूट्रल स्पीशी जिनके पास लॉन्ग पेयर मौजूद होता है, न्यूट्रल स्पीशी, ठीक है, जैसे आपके पास वाटर हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया NH3, ठीक है, इस तरह RNH2, ये तो नाइट्रोजन के पास लॉन्ग पेयर मौजूद होता है, इस तरह ऑक्सीजन के पास लॉन्ग पेयर मौजूद होते हैं, वो चीज़ें जिनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लॉन्ग पेयर नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी लीवस बेस कहलाएंगी, न्यूट्रल स्पीशी। और दूसरी नेगेटिवली चार्ज एनायन पार्टिकल, जो एनायन सबस्टेंस होंगे, ठीक है, जैसे भी हमारे पास है OH नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है Cn नेगेटिव हो गया, तो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन रखती हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज रखती हैं, तो ये अपने नेगेटिव चार्ज क्या कर देती हैं, डोनेट कर देती हैं, तो इस तरह ये क्या कहलाती हैं, लीवस बेसिस कहलाती हैं। मैं रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है, समरी का जो है लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, एसिड वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं, बेस वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है, तो एग्जांपल आपके सामने NH3 को मैंने इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करवाया है, ठीक है, और फिर हमने लीवस एसिड की एग्जांपल स्टडी की है, सिंपल केटाइन लीवस एसिड होते हैं, इसी तरह जिन एटम का सेंट्रल एटम जो होता है, जिन मालिकूल में सेंट्रल एटम जो होता है, इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट, जैसे BF3 LCl3 है, FeCl3 है, तो इनको आपके सामने ये मैंने दिखाया भी है, बोरान की मिसाल दी है, तो ये क्या होते हैं लीवस एसिड्स होते हैं। लीवस बेस क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस जिसके पास लॉन पेयर मौजूद होता है, जैसे आपके पास NH3 वाटर वगैरह, और वो सब्सटेंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी क्या है लीवस बेसिस कहलाती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं।